मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन जो इतने लाखों लोग, उनके परिवार जो चिंतित हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। मुझे लगता है किसी तह तक जाना चाहिए और जांच में जो सामने आए, जांच सघन हो, समय सीमा के तहत होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। उस जांच में अगर कोई तथ्य मिलते हैं, अगर कोई व्यक्ति या किसी संगठन या किसी के ऊपर तथ्य मिलते हैं तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि भविष्य के लिए उदाहरण बने और इस प्रकार का जो लीकेज है या भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते हैं ये भविष्य में ना हो पाए, इस बात की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। सर, सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं? भाई, जांच कोई सी भी हो लेकिन सघन हो, समय सीमा के तय हो और जांच संतोषजनक होनी चाहिए, ये जरूरी है। और भविष्य में ऐसा ना हो, इतने लाखों लोग, 26-25 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उनके जो एग्जाम देने की फीस होती है, अभी सुझाव दिए जाएंगे भविष्य में क्या करें। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जो बच्चे जिनको दोबारा देना पड़ रहा है उनसे फीस लेना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। एक से बार फीस हम ले चुके हैं तो अनेक तरह के कदम उठाने चाहिए, भर्तियां जल्द होनी चाहिए और रोजगार मिलने चाहिए, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस बात की जिम्मेदारी। आरएस का भी इशू चल रहा है, कुछ उठा रहे हैं, मुझे लगता है सरकार जरूर कुछ समझ पा रही है।